भाई आपका शुभ आगमन हमारे लिए आगमन हो। इसी असीम आनंद के साथ यहाँ पर पधारे सभी अतिथियों का पंकज वर्मा जिन्हें हम प्यार से कहते हैं रवि जी, उनकी ओर से आप सभी महानुभाव का हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हुए आइए हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सभी पार तो ताली बजाओ मेरे हनुमान के लिए, पार तो ताली बजाओ मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए जो खेल गए आप श्री महाराज का हनुमान जी महाराज को, हनुमान जी महाराज को मानते हो। पवन वेग से जाकर हमारे युवा कांग्रेस के नेता मेरे अनुज भाई पंकज वर्मा के द्वारा आज यहाँ पर खाटू श्याम भजन संध्या का यहाँ आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर उपस्थित हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनोज राजानी जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेरे बड़े भाई आदरणीय दिनेश बैरागी जी, कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता हमारे साथी हमारे मित्र भाई परिहार जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे अनुज भाई पंकज वर्मा जी, हमारे जिला युवा कांग्रेस के बहुत ही होनहार युवा ऊर्जावान अध्यक्ष भाई जितेंद्र सिंह गौड़ जी, हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष मेरे अनुज भाई जितेंद्र ठाकुर मोहंता जी, हमारे रजिस्टर से खाटू श्याम भजन संध्या आयोजित की गई है, इसको लेकर भैया आप क्या कहेंगे? अब आज माँ चामुंडा की पावन नगरी देवास में खाटू श्याम जी की भव्य भजन संध्या एवं महाकीर्तन रखा है हम लोगों ने आनंद बाट सिविल लाइन वार्ड क्रमांक 25 में। जब खाटू श्याम जी की भजन संध्या होती है तो अमृत बरसता है ऐसा मानना है, और इसी मानने को लेकर हमने आज यहाँ पर भजन संध्या रखी है और खाटू श्याम जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हम लोग भजन संध्या के साथ साथ अखंड ज्योति महा बाबा का दरबार सजा है, साथ ही में पुष्प वर्षा एवं इत्र वर्षा यहाँ पर होने वाली है। भैया देखा गया यहाँ पे इस तरह से जो भजन संध्या हो रही है, यहाँ पे भी लोग झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेके? भजन बस बाबा की कृपा बरसती तो जो आदमी सब प्रभु में ही हो जाता है, तो भजन और ये सब चीजों में बिल्कुल नाचने में मगन हो जाता है, प्रभु में लीन हो जाता है। खाटू श्याम जी की यही लीला है। भैया आपका नाम? मैं पंकज वर्मा, पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष देवास, वार्ड क्रमांक 25 देवास।